हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिवाली वाले इवेंट में हम लोगों को 4 पेट मिल रहे हैं, जिसमें से आपको एक पेट बिल्कुल फ्री में चूज़ करने को मिलेगा। अब आपका कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा पेट हम लोगों को लेना चाहिए, तो ये कन्फ्यूज़न आपका मैं दूर करने वाला हूँ। सभी की स्किल की बात करेंगे, लुक की बात करेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा पेट लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि फ्री फायर का सबसे बेस्ट पेट कौन सा है। यहाँ पे मिस्टर वेगर पेट आता है, जो कि सबसे बेस्ट है, सभी बंदे यूज़ करते हैं और मुझे लगता है 90% बंदों के पास में होगा भी, क्योंकि ये फ्री में मिल चुका है। तो फ्री में जब मिला था, मुझे लगता किसी ने होगा और ये गुलवाल बना बना के देता है। 90% जो फ्री फायर प्लेयर्स है वो इसी मिस्टर वेगर पेट को यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और बेस्ट पेट है जिसका नाम है पोरिंग पेट, लेकिन वो कभी फ्री में नहीं मिलता और ना तो वो रिटर्न में आया, मतलब कि पेड इवेंट में रिटर्न में भी नहीं आया अभी तक, तो वो मिला नहीं। जब फर्स्ट टाइम पे आया था टॉप पे वहीं से ले सकते थे। यहाँ पे सेकंड वही आता है मिस्टर वेगर। अब अगर आपके पास मिस्टर वेगर है तो मुझे लगता है स्किल के मामले में आप इनमें से कोई पेट यूज करने वाला हो। फिर भी मैं आपको स्किल वाइज पहले रैंक वाइज बताता हूँ कि स्किल सबसे बेकार किसकी है। तो सबसे बेकार है एजेंट होप की, यानी कि जो हमारा रेबिट वाला पेट है, इसकी स्किल मुझे सबसे बेकार लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सेफ जोन श्रिंक होने पे आपको ये 50 ईपी देगा, जो कि मुझे लगता किसी काम के होने वाली 50 ईपी, वो भी सेफ जोन श्रिंक होने पे, तो पूरे गेम में वेस्ट ही होगा। फालतू में एक पेट लेना, इससे अच्छा कोई और पेट ले सकते हो आप, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे पेट है। थर्ड नंबर पे मिस्टर पांडा है, क्योंकि पांडा की भी कोई एबिलिटी यूज लायक नहीं है और काफी बार फ्री में मिल चुका पांडा, तो मतलब कि 10 एचपी देता है आपको एनिमी को मारने पे, नॉकडाउन करने पे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 एचपी काफी कम होती है और ऊपर से फ्री में भी काफी बार मिल चुका है। सेकंड नंबर पे आता हमारा फिन पेट, तो फिन भी कुछ इतना कुछ खास नहीं, क्योंकि इसका ये काम क्या करता है, आपकी 4% मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है। अगर कोई एनिमी या फिर आपका टीममेट डाउन होता है, फिर किल होता है, वो भी 20 मीटर रेडियस के अंदर। यहाँ पे जो रेडियस है वो काफी कम है, 20 मीटर उतना कुछ खास ज्यादा नहीं होता, और जो मूवमेंट स्पीड बढ़ रही है 4% वो भी कम है, और वो भी केवल 5 सेकंड के लिए। ऊपर से इसमें कूल डाउन टाइम भी है, तो ये भी उतना कुछ खास कैरेक्टर नहीं, पेट नहीं है, क्योंकि इसके मुकाबले मुझे लगता है मिस्टर वेगर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि काफी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे है ओटोरो पेट, क्योंकि ये क्या करता है, जब भी हम मेडिकेट या फिर ट्रीटमेंट गन वगैरह, ट्रीटमेंट स्नाइपर गन कुछ भी यूज करते हैं, तो उसका जो 65% ईपी हमको दे देता है, तो ये काफी ठीक ठाक यूज करने लायक मुझे लगता है कि हाँ, इसको आप यूज कर सकते हो स्किल के मामले में। तो चारों में अगर बात करें तो स्किल के मामले में ओटेरो सबसे बेस्ट है, फिर फिन है, उसके बाद में हमारा पांडा पेट होगा, फिर रेबिट वाला। लुक वाइज की अगर बात करें तो लुक वाइज तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन सा पसंद है। मुझे यहाँ पे लगता है कि रेबिट वाला लुक वाइज सबसे बेस्ट लगता है। उसके बाद में ओटेरो की बात करें तो ओटेरो सेकंड नंबर पर रखा जा सकता है, फिन थर्ड नंबर पर, पांडा तो ऑलरेडी काफी बार फ्री में मिल चुका है और लुक वाइज भी उतना कुछ ठीक ठाक से लगता है, मतलब देख देख के उसको अब तो बोर हो चुके हैं, कोई नया ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे मिस्टर जो हमारा एजेंट होप है वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा लुक वाइज, और स्किल वाइज बात करें तो ओटेरो पेट। तो अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा लेने वाला हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना।